हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन की है, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग गाइज। आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पास आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्दी के पूरी होने वाली है, बहुत जल्दी कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। लेट्स सी, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। डेसिपिएटिंग ग्रीफ, कंप्लीशन रिलीज एंड सेल्फ वर्थ, गिल्ट फॉरगिवनेस रिन्यूअल गॉसिप एंड क्रिएशन। बॉटम से है पैशन की एनर्जी। सी गाइज, यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि बहुत जल्दी यू नो आप इस अकेलेपन से बाहर होने वाले हो। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत अकेला फील करते हो, बहुत लोनली फील करते हो, ठीक है, सो मैं ये देख रही हूँ गाइज कि बहुत जल्दी यू नो आप अकेलेपन से फील फ्री हो रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपने गिल्ट से भी फ्री हो रहे हो। ठीक है, जो चीजें भी जो बातें भी आपको गिल्ट में रखती हैं, आपको अकेले रहने पर मजबूर करती, उन बातों से आप बाहर निकल रहे हो। ठीक है, माफी दे रहे हो, माफी ले रहे हो, और ठीक है, जैसे फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, मैंने कल भी यू नो गाइस यू नो रीडिंग में आपसे बोला था कैंडल वैक्स में कि माफ कीजिए। ठीक है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी करने की कोशिश कीजिए और माफी मांगिए, यही है जो आपके दुखों का अंत कर सकती है। ठीक है, आपको ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, बट ये सच है, ये रियलिटी है कि एक माफी आपके दुखों का अंत कर सकती है। तो माफी दीजिए और माफी लीजिए। ठीक है, माफी मांगिए कि मैंने किसी के साथ भी कुछ भी गलत किया है इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में, तो मुझे उस चीज के लिए डिवाइन माफ करे, वो लोग माफ करे, एंड माफी दीजिए कि मेरा दिल किसी ने दुखाया है तो मैं उसको भी माफ करता हूँ। ये चीज, ये प्रेयर जो है आपकी सुबह शाम की गाइस आपके दुखों का अंत कर सकती है। सो मुझे ऐसा ही लोगों के लिए लग रहा है, ये आपकी ना बहुत सारी इच्छाओं को ऐसे ही पूरा कर सकती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस हील करती है आपके। ओके, उसके अलावा मैं ये देख रही हूँ गाइस की लाइफ के बहुत सारे फेजेस जो आपने दुख में निकाले हैं, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि रिन्यूअल आ रहा है आपकी लाइफ में। इट मीन्स कि आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्दी ये भी है कि यू नो आप दुख से निकलना चाहते हो, अकेलेपन से निकलना चाहते हो, फ्री जिंदगी जीना चाहते हो, यू नो खुशी से जीना चाहते हो। ठीक है, आप गिल्ट में नहीं रहना चाहते। तो मैं ये भी देख रही हूँ गाइस की यू नो एक नया स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, जहां पर आप बहुत खुश मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत यू नो आपकी वाइब्रेशन भी मैं देख पा रही हूँ कि काफी हाई है। इसके अलावा गाइज यू नो आप ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ रहे हो अब जो आपके लिए अच्छे नहीं है। मैं ये भी देख रही हूँ गाइज, ठीक है, कि मेरे व्यूअर्स जो उन लोगों के साथ जिनके साथ ये जबरदस्ती रह रहे थे, पर इनके मन नहीं था रहने का, जिनके साथ ये रहना नहीं चाहते थे बट फिर भी रह रहे थे, उन सारे लोगों को रिलीज कर रहे हैं और यू नो अपनी लाइफ में अपनी खुद की क्रिएटिव साइड से सेल्फ वर्थ को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, मेरे व्यूअर्स बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हैं, उनके अंदर बहुत बहुत अच्छे काम करने की क्षमता है, तो अपना फोकस वो वहां पर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं डिवाइन से वो ये सेल्फ वर्थ ले रहे हैं। ठीक है, सेल्फ वर्थ ये दिखा रहे गाइस कि ये जो चेयर है ये आपको मिल रही है क्योंकि आपने अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर दिया है, आपने अपनी परीक्षा पास कर ली है, एंड नाउ इट्स टाइम कि डिवाइन आपको ये चेयर दें। ठीक है, और ये आप कर पा रहे हो और आप जो चीज चाह रहे हो वो भी मैनिफेस्ट हो रही है, आप अपने पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, यानी कि मैं ये देख रही हूँ कि कुल मिला के दुखों का अंत। ठीक है, और यू नो माफी का यहाँ पर मैसेज आया है, तो आपको माफी देनी भी है और माफी मांगनी भी है। ओके, लेट्स सी मोर, और क्या आ रहा है आपके पास, कौन सी इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो रही है। मेजर अरकाना से मून सन, वाओ, सन एंड मून, टेम्प
Prince. Hermit. Wheel of Fortune. Reunion है guys. Reunion है. Magician. And bottom से star. Wow. क्या cards आए हैं guys. क्या cards आए हैं. I mean amazing. यहाँ पर guys cards ये बता रहे Sun and Moon से कि मेरे जो viewers हैं Twin Flame connection में अगर हैं, ठीक है, किसी divine connection के साथ deal कर रहे हैं तो reunion दिखाई दे रहा है guys. ठीक है, रियूनियन नजर आ रहा है. एंड ऑल्सो गाइज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यू नो अगर आप नहीं भी हैं ट्विन फ्लेम, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो भी आपका फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड स्ट्रांगली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बैलेंस हो रहा है, ठीक है, आने वाले समय में. और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए, बहुत बड़ी उनकी जो इच्छा है गाइज ये है सब लोगों की यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि वो काफी इमोशनल है और वो अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस करते हैं. और मैं देख रही हूँ कि उनका मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और गुड लक उनके फेवर में आ रहा है. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं गाइस, क्योंकि शिव शक्ति सभी के अंदर होते हैं, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं गाइस कि आपका जो कनेक्शन है, भले ही आप ट्विन हो या ना हो, लेकिन जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपका कनेक्शन जो है वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है. मैंने इस बारे में बहुत बार बात की है कि क्यों ऐसा होता है कि फेमिनिन और मैस्कुलिन में इतने डिफरेंसेस होते हैं और कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है. मेरे जितने भी रीडिंग्स हैं, ठीक है, उनमें मैंने ये बात कई बार यू नो एक्सप्लेन की है. अब मुझे याद नहीं मैंने किस वीडियो में बोला है, लेकिन ये मैंने बोला है, आपको बताया है कि क्यों मैस्कुलिन ऐसे होते हैं और क्यों फेमिनिन ऐसी होती हैं, ठीक है. मैं कभी फिर डिस्कस करूंगी, फिलहाल तो मैं रीडिंग पे फोकस करती हूँ. सो गाइज आपका व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि गुड लक आपके फेवर में है गाइज, ठीक है, आपकी यही इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ गाइस कि आप अवेकन हो चुके हैं, आपने अपने आप को जान लिया जितना आपको जानना था, जो भी डिवाइन आपको सिखाना चाहते थे वो आपने सीख लिया है, ठीक है. अब टाइम है कि आपको आपका रिवॉर्ड मिले, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो, ठीक है. यहाँ पर सोल मर्जिंग दिखाई दे रही है ट्विन फ्लेम्स की, तो मुझे सोल मर्जिंग दिखाई दे रही है, ठीक है. हारमोनियस यूनियन मुझे यहाँ पर उनका दिखाई दे रहा है, ठीक है. और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो दिखा रहे हैं कि परमानेंट यूनियन है, जो भी उनकी विशेस हैं वो पूरी हो रही हैं गाइस, ठीक है. यहाँ पर देखिए एम्प्रेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, चैरियट की एनर्जी है, शादी की एनर्जी, हायरोफेंट की एनर्जी है, यहाँ पे जजमेंट हो रही है गाइस, और यहाँ पर एम्परर भी आए हैं गाइस. ये मुझे डेफिनेटली यू नो एक मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि ये जो आप लोगों का कनेक्शन है, ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स का या फिर डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. और यहाँ पर रियूनियन है गाइस, ठीक है, आपकी बहुत बड़ी इच्छा, आपका रियूनियन मुझे नजर आ रहा है. लेट्स सी कि इधर से क्या आता है. वर्ल्ड, तो मेरे व्यूअर्स जो है वो अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, दुखों की साइकिल को. Ten of Cups. See, this is your happy family. Knight of Pentacles, Queen of Wands, Three of Cups, Two of Swords, Two of Wands. Devil, Emperor, Nine of Pentacles and Chariot. Bottom से है guys Page of Wands की energy, okay? So guys twin यहाँ पर guys कौन सी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, चारों से क्या आया है, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, जो यू नो क्लैरिटी में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे कि क्या मेरी जिंदगी का उद्देश्य है, क्यों मैं आया हूँ और क्या मुझे आगे करना है, क्यों ये इंसान मेरी जिंदगी में आया, अगर लव लाइफ है तो करियर में क्यों कुछ ठीक नहीं चलता है, बहुत सारे सवाल, कोई क्लैरिटी नहीं, ठीक है. तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस कि जब तक आपका यू नो कर्मा चलता है, ठीक है, जैसे ये साइकिल दिखाई दे रही है वर्ल्ड का, ठीक है, एक साइकिल, जब तक ये चीजें चलती हैं तब तक आपको इसी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिल पाती. और इसका कारण ये है क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अगर आपको सब कुछ पता होगा कि आपको क्या क्या करना है अपनी लाइफ में, तो क्या मतलब है, कैसे आप लेसन लर्न करेंगे और कैसे आपको कुछ चीजें
यहाँ पर सिखाई जाएंगी, ठीक है, और कैसे आपका कर्मा रिलीज होगा, ठीक है। अगर कोई इंसान को हर चीज मालूम है और वो हर चीज परफेक्ट तरीके से कर रहा है, मीन्स कि उसकी लाइफ परफेक्ट जा रही है, ठीक है, परफेक्ट जा रही है, तो फिर कर्मा कैसे हुआ वो, ठीक है। तो साइकिल जब भी होती है तो कुछ चीजें आपकी यू नो खुद ही की ऐसी हो जाती है जो क्लियर नहीं हो पाती। बहुत सारे लोगों का थर्ड चक्र ब्लॉक होता है, बहुत सारे लोगों का थर्ड चक्र ब्लॉक हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप यू नो आपको अपना कर्मा फेस करना है, तो आप बोल ही नहीं पाते हो कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। सो ऐसी चीजें नजर आ रही थी। जो भी गाइज आपकी साइकिल थी जिसमें भी आप फंसे हुए थे, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी मैं देख रही हूँ कि यू नो अब वो आप लोग उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो, यानी क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। दूसरा गाइज यू नो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको क्या चूज करना है। यहां पर देखिए टू ऑफ वैंड की एनर्जी है, जो मेरे व्यूअर्स है वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। क्लैरिटी नहीं थी इसलिए तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आपके पास दो वैंड्स हैं बट आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा पाथ है ऐसा जो आपको आपकी खुशियों से मिलवाएगा। बेसिकली मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यहाँ पर यही है कि उनकी एक हैप्पी फैमिली हो, उनका पार्टनर लॉयल हो, उनके बच्चे हो और उनके सारे ही कप्स फुल हो, यानी जो भी वो विश कर रहे हैं वो सब कुछ उनके पास हो। टेन ऑफ कप्स यहाँ पर कंप्लीट विश दिखाता है, कंप्लीट विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर आप पार्टनर, आपका पार्टनर है, यहाँ पर आपके बच्चे हैं, यहाँ पर टेन कप्स जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल हैं। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ गाइस कि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे पास्ट तक कि किस रास्ते पर, यानी कौन से वैंड को आप चूज करें और कि आपको यू नो ये हैप्पी फैमिली मिले, ये आपका जो भी आप चाहते हो आपकी खुशियां पूरी हो, ठीक है। क्योंकि आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मुझे ये चीज भी नजर आ रही है कि अब आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसी चीज को डिसाइड करने वाले हैं जो आपको आपकी हैप्पी फैमिली से मिलवाता है, ओके। यहाँ पर गाइज एट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन देखिए एट ऑफ सॉर्ड्स किस तरीके से आप बंधे हुए थे, ठीक है, किस तरीके से आप बंधे हुए थे और इस तरीके से बंधे होने की वजह से आप अपनी लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपकी लाइफ ना एक समय तक बिल्कुल स्लो गई है गाइज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी लाइफ एक समय तक बिल्कुल स्लो गई है। यहां पर आपको पता तो था कि यार ये करना है, मैं ये करना चाहता हूं, ठीक है। जैसे मेरे व्यूअर्स हैं बहुत सारे जो ये सोचते हैं कि नहीं मुझे आज इतना चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे ये खत्म करना है, सोच लेते हैं, मन बनाते हैं, पढ़ने भी बैठते हैं बट उनसे हो नहीं पाता है, बंद करके छोड़कर रख देते हैं। ऐसे कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो काम करने तो बैठते हैं बट काम कर नहीं पाते हैं। तो आपकी लाइफ यू नो बहुत स्लो जा रही थी, आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे थे अंतर से लेकिन हो कुछ भी नहीं पा रहा था बिकॉज आप स्टक थे, ठीक है। तो ये चीज भी मैं देख रही हूँ गाइस कि आपकी लाइफ में अब आपके जो रास्ते हैं वो क्लियर हो रहे हैं, आप इस स्टकनेस की एनर्जी से बाहर आ रहे हो। एंड और ऐसा पता है गाइस क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रही है क्योंकि मेरे व्यूअर्स ने खुद पर काम किया है। ये सारी चीजें जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं आप ही की नेगेटिविटी की वजह से हो रही थी, ठीक है। अब ये पास्ट लाइफ का आपका कोई कर्मा हो सकता है, ठीक है, जैसे साइकिल में आप फंसे हुए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से आप अपने पोटेंशियल को भी नहीं पहचान पा रहे थे और लोग भी आपको यू नो उसी तरीके से जज कर रहे थे, उसी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। आप जो नहीं थे वैसे, मतलब यू नो आप हो सकता है बहुत अच्छे हो लेकिन फिर भी आपको लोगों से गलत बातें सुननी पड़ रही हैं, आपको बेइज्जती मिल रही है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ये सब कुछ नहीं है गाइस, आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है, सभी को ये बुरा लगता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किए होते हो, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता ना इस लाइफ में कि हम तो ये सोचते हैं हमने इस लाइफ में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ मिल रहा है इट मींस कि आपने ऐसा कुछ कभी दिया था, ठीक है। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है, और जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो यू नो ब्लेम नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स में ब्लेमिंग देखती हूँ ना, बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे हो, किसी को भी ब्लेम कर रहे हो गाइस, ठीक है। जिसने भी आपके साथ जो कुछ भी किया है वो कभी खाली नहीं जाएगा, उसको उसका कर्म 100% मिलेगा। लेकिन आप जब कुछ शब्द निकाल रहे हो अपने मुंह से या ब्लेम कर रहे हो तो आप भी कर्मा यहाँ पर बनाते हो, ठीक है, नया कर्मा बनाते हो। ऑलरेडी आपने हो सकता है पास्ट में उसके साथ कुछ किया हो और जब उसने अपना बदला लिया आपने फिर और बातें बोल दी, ठीक है, फिर कुदरत आपको चुनेगी कि ठीक है जाइए आप फिर से अपना बदला लीजिए, वो साइकिल बार 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 ऐसे ही घूमती रहेगी। इसलिए माफ करना भी है और माफी मांगना भी है, ठीक है, तभी आप साइकिल को ब्रेक करते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स एक स्पिरिचुअल पर्सन को भी दिखाता है, ठीक है, और इस पर्सन में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इसकी वजह से भी होता है बिकॉज ये काफी ज्यादा यू नो मैच्योर होती हैं एंड इनका जो ऑरा है वो भी काफी पॉजिटिव होता है, ठीक है।
आकर्षण इनमें बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी होती है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि जितने मेरे व्यूअर्स यू नो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं और उसको बहुत सही तरीके से समझकर यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डेविल की एनर्जी ये दिखा रही कि वो नेगेटिविटीज के बहुत ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको नेगेटिविटीज यू नो अफेक्ट नहीं कर पाती हैं। नेगेटिविटीज तभी तक आपको अफेक्ट कर पाती है जब तक कि आप क्लियर नहीं हो, ठीक है, जब तक कि आप क्लियर नहीं हो, और आप तब तक क्लियर नहीं हो पाते जब तक कि आप अपना कर्मा रिलीज नहीं करते। ठीक है, तो कर्मा रिलीज के लिए सबसे अच्छा है माफी। ठीक है, माफी इसको अपने दिमाग में डाल लीजिए। यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, देखिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी में थे, ठीक है, और ये चीजें बहुत ज्यादा परेशान की हुई थी बहुत लंबे टाइम से मेरे व्यूअर्स को, तो यहाँ पर ये चीजें भी रिलीज होते हुए नजर आ रही, बिकॉज यूनियन दिखाई दिया था मुझे मेजर अरकाना से, तो यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि अगर ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में थी तो वो रिलीज हो जाएगी आने वाले समय में। ऑल्सो गाइस मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टेबल देख रही हूँ, ठीक है, अनकंडीशनल लव मैं देख रही हूँ मैं, और ये अनकंडीशनल लव आप किसी और के साथ नहीं है, ये अनकंडीशनल लव आप खुद को दे रहे हो, सेल्फ लव। ठीक है, ये इंसान मुझे बहुत ये कार्ड मेरा फेवरेट है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कार्ड। ठीक है, ये इंसान इस इंसान को जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की, ये खुद में ही हर चीज कर सकता है और संपूर्ण है। ठीक है, ये एनर्जी में आप आने वाले हो गाइस। एंड चैरियट, एक पावरफुल एनर्जी, ठीक है, एक पावरफुल एनर्जी, एक पावरफुल पोजिशन, एक पावरफुल यू नो एक डिजर्विंग प्लेस, जैसे सेल्फ वर्थ की एनर्जी थी, ठीक है, जो जो कमाई गई हो ऐसा, ठीक है, जहां पर लोग आपको सुन रहे हैं, आपकी बात की वैल्यू है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ऐसी इच्छाएं हैं गाइस आपकी और पूरी हो रही हैं। ठीक है, लेट्स सी गाइस और क्या आता है, उसके बाद हम एंजल आंसर्स देखेंगे। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है मेरे व्यूअर्स का, थ्रॉट चक्रा, वाओ, ये तो सच में ही यू नो एक डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम मेमोरीज ऑफ लव Wisdom, Three of Cups, Recognition and Reward and Sacral Chakra, Bottom से Shadow। यहां पर देखिए गाइस चक्रा की एनर्जी आई है, यानी कि वास्तव में आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके सारे चक्रास यहाँ बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, और आप जो भी लंबे टाइम से उन्होंने लोगों के साथ डिस्कनेक्ट थे, ठीक है, और आपने खुद पर डिस्कनेक्ट होकर जो भी काम किया है उसके लिए मैं देख रही हूँ कि डिवाइन आपको रिकॉग्नाइज करके रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में गाइस बहुत सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, एंड विजडम की एनर्जी है गाइस, काफी नॉलेज आपने इकट्ठी की है यहाँ पर, जितने समय भी आप लोगों से डिस्कनेक्ट रहे हो, सोशल मीडिया से दूर रहे हो, अपने आप में आपने समय बताया है हर्मिट की एनर्जी में, जैसे हर्मिट की एनर्जी भी आई थी नीचे, जितने टाइम तक आप हर्मिट की एनर्जी में रहे हो आपने बहुत कुछ सीखा है, और डिवाइन भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, समाज भी आपको रिकॉग्नाइज करेगा। एंड गाइस यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, यानी कि आप अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, शैडो, एक डार्क एक लाइट, ठीक है, आप ही की सोल का दूसरा हिस्सा, आप ही का काउंटर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन रियूनियन की एनर्जी है गाइस। ठीक है, एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अगेन हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है गाइस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। सी गाइस जो मैं बोल रही थी, The Holy Spirit, expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. Wow. मैं आपसे exactly यही बोल रही थी कि miracle होने वाला है guys. कुछ ना कुछ miracle होने वाला है. ठीक है, सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि love real होता है. ठीक है, यानी कि प्यार सत्य है. अगर आपने किसी से प्यार किया है और आपका प्यार true है, तो miracle किसी भी time हो सकता है. Spirit आपकी, Spirit has your back. ठीक है, आपके पीछे Spirit खड़े हुए हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ये आपको बैलेंस करना भी सिखा रही है, मतलब प्यार से प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। ठीक है, डिवाइन लव को एक्सेप्ट कीजिए। कुल मिलाकर ये आपको ये बोलना चाहती है कि प्यार सत्य है, यानी कि
आपने अगर एक चीज नोटिस की हो कि एंजल्स डिवाइन के जो मैसेजेस आते हैं वो प्यार को लेकर आते हैं, ये हमेशा बोलते हैं कि अमन और शांति फैलाइए, प्यार दीजिए, किसी को भी नफरत मत दीजिए, ठीक है, प्यार दीजिए, क्योंकि आप अगर प्यार देंगे तो हमको आसानी होगी, आप उनको प्यार दीजिए, हम आपको प्यार देंगे, ठीक है। सो प्यार का यहाँ पर मैसेज बहुत स्ट्रांग आता है। वाओ, काली मां, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। ये आपसे कह रही है कि आपके बहुत मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस यू नो अनफोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अपने डर पर अपना काबू कीजिए, यानी कि डर को काबू कीजिए, ठीक है, डर से डरिए मत, ठीक है, उसको फेस कीजिए। दिस इज योर चांस टू सोर, सो ये आपका समय है, ठीक है, अब आपकी परीक्षा की घड़ी है कि आप अपने डर को कैसे काबू करते हैं और डर के साथ कैसे आगे बढ़ते हैं। यहां पर है सर्न्यूनॉस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। सो आपकी सेंशुअल और सेक्सुअल पावर्स दोनों ही इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और काफी पैशन है। एंड लॉर्ड शिवा की एनर्जी, ओ माय गॉड, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ डांस कीजिए। लॉर्ड शिव आपसे कह रहे हैं कि फ्री हो जाइए, यूनिवर्स के साथ डांस कीजिए, टेंशन मत लीजिए, जो होगा सब कुछ बेटर होगा, हम पर छोड़ दीजिए। ओ माय गॉड गाइस, अमेजिंग रीडिंग है, ठीक है, यहाँ पर यूनियन है क्योंकि यहाँ पर फिर शिव शक्ति आए हैं, ठीक है, और यहाँ पर यूनियन है क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति दोबारा आए हैं, ठीक है। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइस।